जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में दहशत गर्दाना हमला, एसपीओ फयाज के घर घुसकर दहशत गर्दों ने की फायरिंग, हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद। दहशत गर्दाना हमले में एसपीओ फयाज की अहलिया और बेटी की भी मौत हो गई। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों ने कायराना हमले को अंजाम दिया। लद्दाख दौरे पर वजीर दफा राजनाथ सिंह ने बगैर नाम लिए चीन और पाकिस्तान को इंतबाह दिया, कहा किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा ना आंख दिखाते हैं ना आंख दिखाना मंजूर करते हैं, चीन पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का चैलेंज। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके में बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक शुरुआती जांच में आरडीएक्स के इस्तेमाल का अंदेशा है। जराये के मुताबिक आरडीएक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एयरफोर्स स्टेशन में 2-2 किलो के धमाका खेज अशिया का इस्तेमाल हुआ था। जराये के मुताबिक सैंपल की जांच को एफएसएल को भेजा गया है। रडार से बचने के लिए नीचे से उड़ान भरने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक और दहशतगर्दाना वारदात, पुलवामा में एसपीओ समेत परिवार के 3 लोगों का कत्ल। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट की जांच में जुटी एनआईए की टीम, एयरपोर्ट पर भी स्पेशल सिक्योरिटी टीम तैनात। पाकिस्तान की ड्रोन वाली नापाक साजिश का पर्दाफाश, एटीसी और MI-17 हेलीकॉप्टर से ड्रोन के निशाने पर। मुल्क में पहली बार ड्रोन से दहशतगर्दाना हमला, 5 मिनट के वक्फे पर एक के बाद एक 2 ब्लास्ट। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 बम धमाकों में इमारत को हल्का नुकसान, 2 मुश्तबा को हिफाजती दस्तों ने किया गिरफ्तार, सामने आई धमाके की सीसीटीवी तस्वीर। ब्लास्ट के बाद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एनएसजी कमांडोज की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आला सती बैठक में आईजीपी कश्मीर ने की जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा। बैठक में सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ अफसरान भी रहे मौजूद। जम्मू के बाद अब पठानकोट में भी आया अलर्ट, जम्मू कश्मीर से पठानकोट आने वाले सभी रास्तों को किया गया सील, बॉर्डर इलाकों में पुलिस कर रही है चेकिंग। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर धमाके के बाद लखनऊ एयरपोर्ट की भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी, अहाते में आने वाली हर गाड़ी की हो रही है जांच। बाजार में आई कोरोना की दवा 2DG, सरकारी अस्पतालों को सब्सिडी पर मिलेंगे 2DG, पहले मेट्रो और टियर 1 शहरों में होगी सप्लाई। कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट में मरकज के जवाब पर राहुल गांधी का तंज, ट्वीट कर लिखा मुल्क को मरकजी सरकार से सच्चाई की थी उम्मीद। दूसरी लहर में मुसलसल कम हो रहे मौत के आदादोशुमार, 81 दिन बाद मुल्क में सबसे कम मौत, हफ्तावार आदादोशुमार में भी 38% की गिरावट। बारह अप्रैल के बाद पहली बार मौत का आदादोशुमार 1000 से नीचे, 24 घंटे में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से 979 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 50,000 से कम, 24 घंटे में 46,148 नए मामले, 58,578 मरीज हुए डिस्चार्ज। मुल्क में सरगर्म मामलों की कुल तादाद घटकर 52,72,994 हुई, कोरोना से रिकवरी रेट 96.80% तक पहुंचा। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 5 की शुरुआत, 8 से खुले जिम, योग समेत तमाम फिटनेस सेंटर, शादी के लिए बैंक्वेट हॉल खोलने की भी इजाजत। बैंक्वेट हॉल और शादी में के दौरान 50 लोग हो सकेंगे शामिल, जिम और योग सेंटर्स को 50% अहलियत के साथ खोलने की इजाजत।
दिल्ली सरकार ने मरकज से जुलाई महीने के लिए मांगी वैक्सीन की 45 लाख डोज का टीकाकारी के लिए नौजवान पुरजोश। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच भारत में मुसलसल बढ़ रहे डेल्टा प्लस के मामले, मुल्क में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस बढ़कर 52 हुए। मुल्क की 12 रियासतों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी दस्तक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22 मामले आए सामने। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी में भी हाई अलर्ट, सभी तैयारियां पूरी रखने के अहकाम। डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते लोगों को अभी से किया जा रहा है अलर्ट, लापरवाही बनेगी जान की दुश्मन। मरकजी सरकार ने रियासती सरकारों को किया अलर्ट, डेल्टा प्लस के लिए पूरी तैयारी करने के दिए अहकाम। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तकरीबन पूरा, एक महीने बाद शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। तीसरी लहर के आठ के बीच छोटे बच्चों को कोरोना से बचाने की कवायद, एम्स में आज 2 से 6 साल के बच्चों पर होगा क्लिनिकल ट्रायल। जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ से ज्यादा डोज का किया गया प्रोडक्शन, अब तक पूरे मुल्क में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। तीसरी लहर को लेकर मरकजी वजीर सेहत का बड़ा बयान, कहा ये लहर तभी आएगी जब आप चाहेंगे, जो कोविड जाब्तों की पासदारी करेंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फूटा कोरोना बम, वैक्सीनेशन कराने 48 लोग मिले इन्फेक्टेड, 20 जून को लिया गया था रैंडम सैंपल। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ऐलान, कोरोना के सबब शौहर को खोने वाली खवातीन को दी जाएगी 2.5 लाख रुपए की मदद। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी में लगी आग, आग लगने के इत्तला पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमीर ममालिक ने कोरोना वैक्सीन दान करने में की कंजूसी, WHO ने जताया अफसोस। उज्जैन में 76 दिन बाद अकीदतमंदों के लिए खुले महाकाल के कपाट, बड़ी तादाद में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे अकीदतमंद, दर्शन के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में रासुका की तैयारी, सभी मुजरिमों के खिलाफ रासुका लगाएगी यूपी पुलिस। बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के खिलाफ भी केस दर्ज, ट्विटर इंडिया के आमदी की पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दायर करी। 29 जून को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का फेसबुक और गूगल इंडिया के नुमाइंदे के साथ मीटिंग, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर होगी चर्चा। मगरबी यूपी में 2 दिन के दौरे पर बीजेपी इंचार्ज राधामोहन सिंह, मगरबी यूपी के अलग अलग जिलों में बैठक करेंगे राधामोहन। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख और कारगिल के लीडरान के साथ पीएम मोदी ने बुलाई मीटिंग, 1 जुलाई को दिल्ली में होगी बैठक। लाल किला तशद्दुद के मुलजिम लखा सिदाना पर चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज किया FIR, मुजाहिरी को पूर्व तशद्दुद रूप देने और मुजाहिरी को भड़काने का इल्जाम। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू का मरकज पर हमला, जबरदस्ती कानून नापिस करवाने का लगा इल्जाम, किसानों पर हुए लाठीचार्ज की मजम्मत। सरकार से तनातनी के बीच ट्विटर के शिकायत ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर ने दिया इस्तीफा, हाल ही में हुई थी तकर्री। NHRC टीम ने बंगाल के पुरतशद्दुद मुतासर इलाकों का किया दौरा, मुतासरीन से ईमेल और फोन के जरिए मांगी शिकायत। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगाकर लड़की ने की खुदकुशी, सोशल मीडिया फेम हिमांशी की यमुना में मिली लाश। दिल्ली के नजफगढ़ में जमीन में ट्रक धंसने से बड़ा हादसा, साथ में जा रहा ऑटो भी पलट गया, CCTV में कैद हुई हादसे की तस्वीर। ओडिशा के संबलपुर यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर के 100 रुपए के लिए कत्ल, घर में घुसकर कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। यूपी में 100 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी ओवैसी की पार्टी IMIM, ओपी राजभर की पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ इत्तेहाद का ऐलान। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया अपना नया कैंपेन सॉन्ग, इस गाने का टाइटल है सुख दुख में साथ निभाएंगे।
यूपी असेंबली इंतखाब में बीएसपी अकेले लड़ेगी इंतखाब, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।